अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये आप जैसा कि देख सकते हैं दो बॉक्सेस हैं हमारे सामने रखे हुए, ये हेक्स क्लैट के हैं और आपने देखा है कि हम ये कुकवेयर जो है यूज़ करते हैं और बहुत से साथी जो हैं वो इसके बारे में हमसे सवाल करते हैं। तो ये चीज़ें हम किसी प्रमोशन के तहत नहीं बता रहे या दिखा रहे और ना ही ये हमको मुफ्त में सेंड की गई हैं, ये हमने ख़रीदी हैं। तो घर के इस्तेमाल के लिए लेने को ये दिल तो था हमारा बहुत अरसे से, लेकिन यहाँ पर इसका जो वॉक है ऑस्ट्रेलिया में वो दस्तयाब नहीं था। अब हमें पता नहीं दस्तयाब है या नहीं, लेकिन हमने जिस वक्त ये लिए थे उस वक्त हमने उस वॉक की इंटरनेशनल शिपिंग ली थी। जब वो वॉक अवेलेबल हुआ कि हम उसको बाहर से मंगवा सकते थे शिपिंग दे के, हमने फिर उस वक्त ये सारा सेट जो है वो लिया था। अच्छा रहा, ठीक रहा और सारे ही बर्तन घर में हमें लगता है एक से ही होने चाहिए, साफ सुथरे रहते हैं, रखा ढका ध्यान से जाता है, तो इसलिए ये हमने लिए हैं। जो भी इसकी एडवर्टीजमेंट है या जो भी इसके बारे में क्लेम्स हैं कि ये रोल्स रॉयस है, पैंस की और लाइफ टाइम वारंटी के साथ आती है, ये है वो है, तो हम लोग बाज़ों का सिर्फ मोटा मोटा लिखा हुआ ऊपर पढ़ लेते हैं या बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि वाओ ये क्या चीज़ है। हर चीज़ जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है और कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए रहने वाली हो, तो हर चीज़ को फना है, ये हम सब जानते हैं। तो इसको हमने उन बातों से इम्प्रेस होकर नहीं लिया है, बल्कि हमें अच्छे लगे और हमें ज़रूरत भी थी और नॉनस्टिक हमने ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कुकिंग के लिए इसलिए नहीं किया कि ज़ाहिर है हमने तो गोश्त भूनना होता है, उसमें बोन्स होती हैं, जो दूसरी दुनिया के लोग हैं वो तो बोनलेस खाते हैं या उबाल उबूल के खा लेते हैं या सूप्स वगैरह बनाते हैं। तो हड्डी वाला गोश्त खाना जो है वो यहाँ पर या इस दुनिया में सिवाय इसके कि बारबेक्यू वगैरह करें, चॉप्स वगैरह, वो नहीं है। तो बोनलेस ही मेनली खाया जाता है। हम लोगों के यहाँ तो जाहिर है बोन वाला बनता है, हमने उसे भूनना है। जब रोज हम हांडी में उसको भूनेंगे तो जो उसकी टेफ्लॉन की ऊपर कोटिंग है, जो नॉनस्टिक कोटिंग है, वो जाहिर है कि वो उतरेगी, तो इसकी भी उतर सकती है। और ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी ये हिलेगा नहीं या नहीं होगा। हाँ, इसको बनाया स्मार्टली गया है और कैसे बनाया गया है ये भी हम आपको भी बताते हैं कि क्यों कर ये थोड़ा सा ज़्यादा चलने वाला है। तो नई चीज़ जब मार्केट में आती है उसके बारे में इतना लोगों को पता नहीं होता कि कैसी रहेगी, चलेगी तो कैसी चलेगी, इतने अरसे यूज़ के बाद वो कैसी रहेगी। जैसे हम मेन कुकिंग तो आपने देखा है प्रेशर कुकर में करते हैं, तो कुछ भी प्रेशर कुकर जैसा नहीं है। आपने अगर हांडी पकाने के लिए, रोज़ की हांडी पकाने के लिए कोई चीज़ लेनी है बाहर की दुनिया में, तो आप प्रेशर कुकर लें, वो भी फिसलर का लें, उसके अलावा कोई भी ब्रांड हमको अच्छा नहीं लगता है। और इसकी पूरी रेंज जो है इन प्रेशर कुकर्स की हमारे पास मौजूद है, शायद 6 हैं, 3 हमने यहाँ रखे हुए हैं जो एक दूसरे के ही बाल बच्चे हैं और बाकी के जो थोड़ी सी डिफरेंट शेप में आते हैं इन से, जैसे कोई 4 लीटर का होगा, कोई 5 का होगा, कोई 6 का होगा, तो 5 वाला जो होगा वो डिफरेंट शेप का होगा, 6 वाला वही होगा, 7 वाला डिफरेंट शेप का होगा, तो 8 वाला वही होगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है इनमें, चाहे वो 1-1 लीटर के फ़र्क से हों, शेप में उसका फ़र्क होता है। तो हमें वो शेप ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, हमको जो नीचे से थोड़ा नैरो वाला प्रेशर कुकर होता है जैसा कि हमारा है, हमें वो शेप बहुत अच्छी लगती है, तो हमने सारी ज़िंदगी वही यूज़ किए हैं। तो उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने एक खाना रोज़ का बनाना है तो इन फैंसी शैंसी चीज़ों के पीछे ना जाएं। हाँ, फ्राइंग पैन वगैरह इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट जो आप समझ रहे हैं कि आप अंडा डालेंगे और फिसल के वो दूसरे किनारे पे लग जाएगा, वो इसमें नहीं होता है। तो ये ना हमने समझ के लिया था और ना ही ये ऐसा है और ना ही हम इस पे डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि हमें पता था। तो ये नहीं है कि आपने चीज़ ले ली और बस वाह वाह करके आपने ज़िंदगी गुजार दी कि बहुत अच्छी बहुत अच्छी। उसका यूज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उसके बेनिफिट्स का भी पता होना चाहिए और उसके ड्रॉबैक्स का भी पता होना चाहिए कि क्या उसमें फॉल्ट है, क्या फ्लॉ है, क्या है क्या नहीं है, फिर आप अपनी नीड्स को देखते हुए वो चीज़ जो है वो ले लेते हैं। तो इस तरह की पैकिंग में ये आता है और इसके ऊपर बिल्कुल वो पैटर्न बना हुआ है जो कि इनके कुकवेयर पे बना हुआ है। तो अच्छा खासा ऑब्वियसली भारी है ये, और ये हमने लिया था क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो थी ये स्पेशल पे थी और शायद अब भी हैं ऑस्ट्रेलिया में। USA में ये अमूमन स्पेशल पे आता है, ऑस्ट्रेलिया में ये कम ही स्पेशल पे आता है, और इनकी एक दो पैकेजेस हैं सिर्फ जो कि स्पेशल पे होती हैं।
तो ये हम आपको दिखाते हैं। तो ये दो डब्बे जो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये एक ही डील का हिस्सा है, शायद 1200 या 1300 के ये दोनों सेट्स जो हैं ये पड़ते हैं, जो कि एक तरह से बहुत अच्छी डील है। यूजफुल चीजें हैं सारी ही और काम आने वाली हैं, अच्छी हैं, अच्छी हैं, धोने में बहुत अच्छी हैं कि जल्दी से साफ हो जाता है, कोई ज्यादा मलना मुलना नहीं पड़ता। तो लोग क्लेम करते हैं कि हाँ जी आप इसको स्टील वूल से भी धो सकते हैं, ये है वो है, तो स्टील वूल से ही धोना है तो आपका फिर नॉन स्टिक किस तरह का हुआ। तो नॉन स्टिक का मतलब ये नहीं है कि चिपकेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो चिपक सकता है, लेकिन उसको धोना धाना जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। जरा सा ही आप मलें तो वो साफ हो जाता है। जैसे हमने चाय बनाई तो आपने देखा कि सारा दूध जो इधर उधर लगा हुआ था, थोड़ी देर ऐसे पानी के नीचे करके हमने उसको सापों से ही, जो स्पंज होता है आम, उससे मला तो वो आराम से उतर गया। तो ये सारे इसके जो है ये लिड्स हैं। इतने लिड्स की वैसे घर में जरूरत नहीं होती है, लेकिन आ जाते हैं तो ठीक है। और वाकई बाज़ोकात अपनी चीज ढकनी होती है, तो पकाने के लिए नहीं, लेकिन अगर आपके फ्राइंग पैन में कोई चीज रखी है, जैसे बच्चे बिरयानी वगैरह बाज़ोकात गर्म करते हैं फ्राइंग पैन में, अगले रोज जब एक रोज बिरयानी बने तो अगले रोज वो ड्राई करके बहुत अच्छी उसको खाते हैं, तो उसके लिए वो बहुत अच्छे हैं कि हाँ आप फौरन से जो उसको ढक दें। और दूसरा इसमें फायदा ये होता है कि जो पॉट्स के लिड्स हैं वो पैन्स पे भी आ जाते हैं, तो साइजेस जो हैं उनके बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले। इसी तरह पर वॉक है, इसी तरह पर जो बड़ा वाला लंबे दस्ते वाला फ्राइंग पैन है, डीप वाला वो है। और इनकी चीज़ हमें जो अच्छी भी लगी, क्योंकि आम देखने वाला जो है बस ऐसे पॉट उठा के देखता है, हाँ जी साइज क्या है, कितना भारी है, वजन कैसा है, दस्ता कैसा है और शक्ल कैसी है, किनारे तो नहीं है। तो जो किनारे वाली पॉट होती है बाज़ों का, तो उसके एजिस को साफ करना मुश्किल होता है। जो इस तरह की पॉट होती है, थोड़ी सी कर्व होती है साइडों से, उसको वो करना आसान होता है। और पहले ज़माने में जब ये नई नई चीज़ें या पॉट्स एंड पैन्स इतने ज़्यादा रिसर्च के थ्रू नहीं गए हुए थे और आया करते थे, तो उसमें गढ़ा पड़ जाया करता था, या नीचे को पड़ जाता था या ऊपर को पड़ जाता था, तो या वो तेल जो है वो सारा किनारों पे चला जाता होता था या फिर वो बीच में गड्ढे में चला जाता था, इस तरह हो जाता था। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह पर नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के बनाई गई होती हैं। तो ये पैन देखकर हमें पता लगता था कि ये बहुत अच्छी रिसर्च के बाद जो है ये क्रिएट किया गया है। इसकी जो नॉन स्टिक सर्फेस है वो कहते हैं कि स्क्रैच नहीं होगी, तो हर चीज़ को फना है, ये पील ऑफ हो सकती है 2-4 साल में। और हल्के रंग का, क्योंकि कई लेयर्स हैं इसके ऊपर नॉन स्टिक की, तो नीचे से हल्के रंग का जो है वो निकल आया करता है, स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। दूसरा इसके बारे में कहा जाता है कि आप इस पर लोहे के चमचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहते हैं ना करें तो बेहतर है, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि इसके बीच में ये जो जाल सा बना है, जो इस पे पैटर्न आपको दिखाई देता है, वो स्टेनलेस स्टील है। तो ये पॉट्स जो हैं ये बनाई गई हैं कुछ चीज़ों को मिलाकर, एक कास्ट आयरन है, एक स्टेनलेस स्टील है और तीसरी चीज़ जो है वो टेफ्लॉन है। तो जो इसकी सबसे बड़ी खूबी हमें लगी इस्तेमाल करने के बाद, वो ये थी कि जो दूसरी पॉट्स होती हैं आम, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ की भी बनी हुई हो, उनका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता जितना कि इस पॉट का होता है। जो मटेरियल्स मिला के इसको बनाया गया है, उसकी वजह से ये एक बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो अचीव कर लेती है। आप इसके ऊपर चिकन डालें या कोई चीज़ भी डालें, वो फौरन लाल होगी। और इसके बरक्स जो दूसरी पॉट आपने साथ रखी हुई होगी या कोई भी बर्तन जो साथ रखा हुआ होगा, चाहे वो उतनी ही हीट पे है, चाहे उसमें उतनी ही क्वांटिटी में चिकन है, उसमें पानी चिकन जो है वो रिलीज कर रही होगी, जबकि इसको वो वहीं का वहीं सुखा रही होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, लाल कर देता है, फौरन से चिकन को लाल कर देता है। और ड्रॉबैक ये है कि आप इधर उधर हों तो वो जल सकती है हाई टेम्परेचर्स की वजह से। तो भूनने के लिए बहुत अच्छी है और पकाने के लिए बहुत अच्छी है, लाल करने के लिए बहुत अच्छी है, खासकर चिकन वगैरह जो कढ़ाही वगैरह आपने बनानी हो उसके लिए ये बहुत अच्छी है, इसकी कढ़ाही बहुत अच्छी है। कढ़ाही में भी जो खूबी है या जो खामी है वो हम आपको बताते हैं। तो नॉन स्टिक का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ चिपकेगा नहीं, या आप इसमें अंडा डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा तेल डालकर अंडा डालना पड़ेगा। तो जो टेफ्लॉन, जो सिर्फ टेफ्लॉन की कोटिंग वाले फ्राइंग पैन होते हैं, उसमें ये है कि वो बहुत स्मूथ कोटिंग होती है और वो ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है कि वो साल, 2 साल, 3 साल चलेंगे जो हाई एंड ब्रांड्स हैं,
उसके जो नॉन स्टिक बर्तन हैं वो 2-3 साल चलते हैं, उसके बाद उसकी जो कोटिंग है वो खराब होने लगती है, चल जाते हैं। इसी तरह पर ये होगा कि चलेगा कुछ अरसा और फिर जाहिर है कि कुछ ना कुछ खराबी इसमें होने लग जाएगी, लेकिन बाकियों की निस्बत ये अच्छा इसलिए कि एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरा ये कि जो इसमें स्टेनलेस स्टील मिलाया गया है उससे उन्होंने ये मैश बनाई है। ये देख रहे हैं आप, इस पे जो पैटर्न आपको दिखता है वो ऊंचा है, जो टेफलॉन की कोटिंग है उससे वो स्टेनलेस स्टील इन्होंने जाल बनाकर ऊंचा कर दिया। उससे ये होता है कि जब आप चमचा इसमें फेरते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील पर से गुजर जाता है, जबकि टेफलॉन की जो लेयर है वो नीचे है, वो उसको रगड़ नहीं लगती। यही वजह है कि कोई कोई चीज इस पर चिपकती है, क्योंकि ये जो बारीक बारीक सी तार है, हेयर लाइन आपको जो फिगर सा बना हुआ दिखाई देता है, मैश सी बनी दिखाई देती है, वो तो स्टील है, वो चिपका लेती है, और जो टेफलॉन है वो नीचे है जो कि नॉन स्टिक लेयर होती है। तो अगर इसको ये बिल्कुल स्मूथ कर देते तो ये ज़्यादा जल्दी ख़राब होने के चांसेस थे, उसकी उम्र उतनी ना होती जितना कि वो है, मुमकिन है वो हीट भी उतनी ना प्रोड्यूस करता जितनी कि ये पॉट किया करती है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का टेम्परेचर जो है वो देखने में आता है कि ज़्यादा होता है। ये पॉट भी बहुत तेज़ी से गर्म होती है और देर तक गर्म रहती है, उसमें काफ़ी देर तक सालन जो है वो उबलता रहता है। तो इसके ये फवायद हैं, वैसे धोने रखने उठाने में साइज़ के हिसाब से ये बहुत आइडियल साइजेस हैं। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी देगची का साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा के दिन रात इस्तेमाल के लिए ये बहुत अच्छे साइज़ की पॉट है। बीच में इसके स्टीम के लिए इन्होंने यहाँ पर होल रखा होता है, धोने में भी संभालने में भी साफ सुथरा स्मूथ है, बहुत अच्छा। ये तो अच्छी पॉट्स हैं। फिर सबसे बड़ी जो हमें फिक्र थी ये लेते हुए कि हम लोगों ने तो ज़्यादा बर्तन लेने होते हैं, पकाने गूंदने वाले लोग हैं, फैमिलीज हैं, बड़ा घर आना होता है, आना जाना भी होता है, तो ये तो नहीं होता कि मेहमान आया तो दरवाजे से ही रुख्सत कर दें, या ये हो कि वो जो आ रहा है वो साथ पका गूंद के लेके आए, तो ये सिलसिले यहाँ पर नहीं होते। जाहिर है आपने पकाना होता है तो आपको एक आध देचकी से आपका गुजारा नहीं होता है, एक आध पॉट घर में हो तो उससे गुजारा नहीं होता है, आपको 2-4 लेनी ही पड़ती हैं जब भी आपने ये चीज़ें घर में रखने के लिए लेनी हो, इस्तेमाल के लिए लेनी हो, तो इन चीज़ों को ऊपर नीचे रखना पड़ता है। जो हमने स्कैन पैन की पॉट्स इस्तेमाल की हैं, बहुत कम की, रॉयल डाल्टन की भी हैं हमारे पास, वो भी बहुत कम हमने यूज़ की, क्योंकि हम मेनली प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। यही वजह है कि हमने पहले अपने साथियों को कहा कि अगर उनको एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के लिए कोई चीज़ चाहिए जो बॉर्ची खाना हर वक्त पकाएं, धोएं, साफ़ करें, रख दें, जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ है, वो प्रेशर कुकर है। यहाँ पर उसकी ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ पर तो चिकन बनाने के लिए भी प्याज नहीं गलता है, आपने उसको प्रेशर देना होता है, तो आप दूसरा बर्तन किस लिए भरें फिर, जब आपने उसमें प्रेशर दिया है प्याज को तो आप पका भी उसमें लें। जैसा कि हमने आज सालन बनाया, अभी हम वो भी अपलोड करेंगे तो आप देख लेंगे। इस वजह से प्रेशर कुकर जो है वो आपकी पॉट है जो आप दिन रात इस्तेमाल करते हैं। ये तो यूं ही है कि आपने सब्जी बनाई, आपने दाल बनाई तो चलो ठीक है आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, कड़ी बनाई तो चलो इस्तेमाल कर लिया, ये फिर भी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही आला क्यों ना हो, ये फिर भी दूसरे नंबर पर आती हैं। या आपके पास एक प्रेशर कुकर है तो आप उस पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर प्रेशर कुकर नहीं है, ये चाहे 10 पॉट्स हैं, तब भी आप अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुली नहीं गुजार सकते, क्योंकि आप इसमें इस तरह पका नहीं सकते। तो इसको आपने जब पुलाव की यखनी चढ़ानी हो फिर आप यूज़ करें, अगर आपने चिकन का पुलाव बनाना है तो आप वो कड़ाही में बना लें, क्योंकि आपने चिकन को खुले बर्तन में भूनना है, वो ज़्यादा सहूलत होती है। तो वो कढ़ाई भी अभी हम आपको दिखाते हैं, जिसकी खातिर हमने वेट किया कि हमें मिले तो हम ये सेट जो है ये लें, एक लिया अच्छा लगा तो इसकी वजह से हमने दूसरा लिया, हालांकि सॉस पैन्स की तो हमको इतनी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हम वो यूज़ भी कम करते हैं, लेकिन इसके सॉस पैन्स हमें अच्छे इसलिए लगे कि वो साइज़ अच्छा है। ये साइज़ जो है उनका वो आम छोटे छोटे सॉस पैन्स का नहीं है, बल्कि एक मुनासिब साइज़ है जिसमें आप दूध उबाल सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, जो भी चाहें, तो बहुत अच्छे साइजेस हैं। ये देखिए बर्तन अच्छे अच्छे साइज का है। फिर ये कि हम सारी ज़िंदगी जो फ्राइंग पैन्स लेते रहे हैं वो भी बल्कि डब्बा दिखा दें आपको, तो इन सब के ढकने साथ आते हैं, हर पॉट का ढकना है, हर फ्राइंग पैन का ढकना है, तो ये 2 सेट हैं, ये 2 इसमें सॉस पैन हैं
और जो हम ये कह रहे थे कि हमारी तो बड़ी फैमिलियां होती हैं, आना जाना भी होता है, घर के अफराद भी ज्यादा होते हैं, घर का खाना खाने वाले होते हैं, सैंडविच पीपल नहीं होते, तो बर्तन हमें ज्यादा लेने पड़ते हैं। और जब हम ज्यादा बर्तन ले लेते हैं तो उनको रखना मुश्किल हो जाता है। तो स्कैन पैन की जो हम तारीफ कर रहे थे, पॉट्स की जो हम कह रहे थे बहुत कम यूज की, वो इसीलिए कर रहे थे कि सारी वो एक दूसरे के अंदर आ जाती हैं।